कौन आ गया है? जी अच्छा कौन आया है? दो आदमी पानी मांग रहे हैं। तो दे आओ पानी। रुको मोहम्मद शहीद, नहीं देना पानी, बेचारे प्यासे होंगे। मामा किसी को पानी देने से तो मना नहीं करना चाहिए। आप उन्हें ऊपर से पैसे दे दो और कहो कि आगे शॉप से पानी खरीद ले। मामा ये क्या बात हुई? बेटा आपके बाबा घर पर नहीं है और मैं किसी अजनबी के लिए गेट नहीं खुलवा सकती। ये कौन बेल बजाया जा रहा है? मोहम्मद शहीद। मामा वो तो सो रहा है। चलो बेल बजा बजा कर खुद ही चला जाएगा। ओहो मामा आप जाके देख ले। हाँ भाई बेल पर हाथ रख कर भूल गए हो क्या? ग्रोसरी यहीं रख दो और तुम जाओ। मामा किससे इतनी सख्ती से बात कर रही थी? ग्रोसरी वाला था। उस बेचारे को तो डांट ही दी आपने। बेटा गैर मर्दों से सख्त लहजे में ही बात करनी चाहिए ताकि नरम लहजे में बात करके किसी के दिल में कुछ गलत मतलब ना आ जाए। अच्छा तभी आपका लहजा इतना सख्त था। मैंने अक्सर खवातीन को बाजारों में दुकानदारों से हंसी मजाक करते या बिला तकल्लुफी से बात करते खरीदारी करते हुए देखा है। वहीं दूसरी तरफ वो खवातीन हैं जो संजीदगी से अपनी खरीदारी करती हैं और अपने घर को जाती हैं, जो कि बिल्कुल ठीक करती हैं। आपके बच्चे जब आपको किसी से यूं बिला तकल्लुफ बात करता देखेंगे तो बहुत आम सी बात समझेंगे, जबकि ये आम बात नहीं है। इसीलिए घर के बाहर मर्दों के लिए अपना लहजा सख्त रखें।